किसी वजह से रोक कर और जिस तरीके से अमानुष तरीके से उनको मारा गया है, आज यहाँ पर होम क्रिटिकल में पूरे शहर के सभी जिम्मेदार सब नौजवान मौजूद हैं। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। यहाँ पर DYSP PI साहब पुलिस फोर्स आकर गया। जिस बच्चे ने उनको देखा है उन आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है और पुलिस कंप्लेंट लेकर के उन आरोपियों को पकड़ने के लिए भी सतर्क निकल चुकी है। बच्चे की हालत नाजुक होने की वजह से हम यहाँ पर DYSP साहब आए, पुलिस वाले आए, तो हमारे साथ जो नगर सेवक और जिम्मेदार हैं, हमने साहब के कान की ये भी बात डाली कि अभी इलेक्शन के हालात हैं और इलेक्शन के हालात होने की वजह से इस पर उस नजरिए से भी गौर किया जाए कि हमारे शहर का अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर झगड़ा हो जाता है तो मैं होती है, पकड़ाउती होती है, बात अलग है, लेकिन इस तरीके से मारने की नीयत से मारना ये बात अच्छी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम सब दुआ करते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, वो बच्चा सेहतयाब हो जाए। उसकी हालत सीरियस है, पूरा न्यूरोसर्जन के पास भी जाकर सीटी स्कैन करके उसका इलाज करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे तमाम नौजवानों से अपील है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, अमन अमान कायम रखें, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस अपना काम करेगी। आपको कहीं कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है कि जो हमारे अमन अमान को ख़राब कर रहा है, तो अपने जिम्मेदारों से बात करें, हमारे कानों पर बात डालें और जो कुछ भी आज हमारे सामने सबसे बड़े मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हमको अमन और शांति रखना बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही चाहूँगा कि इस तरह के माहौल को संभालना हम सबका काम है। काय विषय आहे आणि आपली काय मागणी? सुप्रीम कॉलनी जवळील पुष्पक पेट्रोल पंपाजवळ आमच्या तीन तरुण जेवण करून येत असताना समोरचेही तीन तरुण मोटरसायकलवर असताना त्यांच्यासोबत कटवरून बाचाबाची झाली, बोलत आली झाली, परंतु विषय कोणत्याही प्रकार कटचा नव्हता। परंतु त्यांनी तरी त्यांना सांगितलं की बाबा तुझ्या गाडीला काही लागलं नाही, चल आम्ही तुझी माफी मागतो। तरी त्या समोरच्या व्यक्तीने जो दारू पिऊन होता त्यानं त्याच्याशी हुज्जत घातली आणि मारहाण केली, आणि मारहाण करून न थांबता त्याने लागलीच मुलांना बोलवलं आणि त्या मुलांनी त्या तिघा मुलांवर वेगवेगळ्या टाईपने त्यांच्यावर अटॅक केला। त्याच्या जुनेत याला सिरियस इंजुरी झालेली आहे आणि तो आता इंजुरी आपल्या हॉस्पिटलला आपला उपचार घेत आहेत। इक्राम आणि असलम यांना जास्त मार लागलेला नाही, परंतु आमची मागणी एकच आहे की तीनपेक्षा ते जास्त लोक होते आणि त्याला अत्यंत गंभीर अशी दुखापत झालेली असल्यामुळे पोलिसांनी त्वरित आरोपींना ताब्यात घ्यावे आणि ताब्यात घेतल्यानंतर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, जेणेकरून हा जो एक प्रकारचा असंतोष होत आहे तो पसरणार नाही आणि तरुणांमध्ये जी एक प्रकारची भावना निर्माण होते की आमच्यासोबत अन्याय होतो आहे, अत्याचार होतो आहे, तो होणार नाही। आणि माननीय पोलीस उपविभागीय अधिकारी गावित साहेब आणि पोलीस निरीक्षक आवड साहेब यांनी त्वरित कारवाई केलेली आहे आणि त्यांनी शब्द दिलेला आहे की आज रात्रीच आम्ही त्यांना अटक करू आणि तुम्ही काळजी करू नका।